हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल मारुति मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, IBPS RRB के जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो अभी 30 जून को आ गई हैं। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि कब से आप एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पोस्टें क्या हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिसर Scale 1, Scale 2 और Scale 3 की पोस्ट है, और एक ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ की पोस्ट है। ये RRB की पोस्टें हैं, तो पूरी जानकारी लेते हैं इसमें क्या है सारा कुछ। तो इसमें जो RRB में जो बैंक इंक्लूड हैं वो है आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। ऐसे मतलब बहुत सारे बैंक आपको इसमें मिल जाएंगे। इसमें से आपको सिलेक्ट करने हैं कौन से बैंक में आप जाना चाहते हैं, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी देख लेते हैं क्या है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप सिटीज़न इंडिया के सिटीज़न होने चाहिए, जो डिटेल पढ़ लेना आप सारी। तो एज के लिए क्या चाहिए, अभी अगर आप पोस्ट पर रहे हैं ऑफिसर Scale 3 की यानी सीनियर मैनेजर की, तो आपकी एज जो होनी चाहिए 21 से ऊपर होनी चाहिए, और बिलो से मतलब 40 साल से नीचे होनी चाहिए। और जो आप कैंडिडेट शुड नॉट हैव बिन बोर्न अर्लियर देन 3/7/1980, तो इससे पहले का नहीं होना चाहिए जो भी कैंडिडेट है, और लेटर जो है 30/6/1999 से। तो ये दोनों आपको देख के करनी है, ठीक है। तो ऑफिसर Scale 2 के लिए क्या है, मैनेजर की, उसमें क्या है, 21 साल की आपकी एज होनी चाहिए या 21 से ऊपर, और 32 साल से नीचे होनी चाहिए। उसमें भी सेम क्राइटेरिया है, उसमें भी आपको क्या कहेंगे, 1988 से पहले और 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और Scale 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, उसमें क्या 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और 30 साल से नीचे। उसमें भी आपको जो है बता देगा 1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 2002 से मतलब बाद में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ऑफिस असिस्टेंट के लिए ये भी 18 साल या 28 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। और जो शेड्यूल कास्ट है उसको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी, और अदर बैकवर्ड क्लास है उसको 3 साल की, ठीक है। तो और आगे पढ़ लेते हैं क्या है आगे सारा। आगे ये सब तो आपको पता ही है, क्योंकि अभी ये इसके बीच में पढ़ते हैं क्या है। जो एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए मांग रहा है बैचलर डिग्री मांगेगा आपसे, ठीक है। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, जैसे मैं पंजाब में रहता हूँ तो मेरी पंजाबी लैंग्वेज, उसमें आपको मतलब परफेक्ट होनी चाहिए। और Scale 1 के लिए क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और मतलब आप किसी भी मतलब आपके पास एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री या वेटरनरी, एग्रीकल्चर साइंस, पिसीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केट, इसमें आपकी होनी चाहिए, और कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, और लोकल लैंग्वेज आपको पूरी अच्छे से आनी चाहिए। और ऑफिस Scale 2 में क्या है, उसमें भी बैचलर डिग्री 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके, और जो कैंडिडेट है उसने के डिग्री आपके पास होनी चाहिए बैंकिंग की, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, ऐसे लॉ, इकोनॉमिक्स, ये आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये ऑफिसर Scale 2 की थी, और ये वो थी मैनेजर के लिए, ये है स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO के लिए। इसमें क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस विद 50% मार्क्स। ये आप अपनी फील्ड्स देख लेना, आप कौन सी फील्ड में आप मतलब कौन सी आपने डिग्री की हुई है, तो ये आपको देख के पोस्ट पर लेना। और इसमें क्या है, सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास ASP, PHP, C++, जावा, VB, VCP, OCP एक्सेट्रा, और आपके पास जो CA का है 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लॉ ऑफिसर का है उसमें आपको जो लॉ ऑफिसर में है उसके लॉ की अपने जो डिग्री की है उसमें 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, और 2 साल का जो है आपका 2 एडवोकेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और जो ऑफिसर Scale 3 में है सीनियर मैनेजर में, उसमें भी सेम है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से की होनी चाहिए आपकी, और उसमें क्या है, आपके पास डिग्री और डिप्लोमा इन बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग,
लॉ, इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, ऐसी आपके पास डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम 5 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये आप अपनी फील्ड देख के सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो आपके एप्लीकेशन फ़ीस और इंटीमेशन चार्जेस हैं, ऑफिसर स्केल के लिए क्या है, 175 PA तो SC ST और PWBD के लिए है, और जो जनरल और OBC, बाकी जनरल और कोई भी आती हैं तो उनके लिए 850 रुपये है। ऐसे मतलब बाकी कोई भी लिए यही सेम ही रहेगा। और अभी अभी ये जान लेते हैं कि एग्ज़ाम में मतलब क्या आएगा आपको, तो वही सेम क्राइटेरिया होता है। तो ऑफिस असिस्टेंट में क्या आएगा आपको, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी। तो 40-40 नंबर के आपको क्वेश्चन होंगे, तो आपका जो टाइम होगा 45 मिनट का टाइम होगा आपके पास। और ऑफिसर स्केल में आपको रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा, सेम पैटर्न होगा, उसमें भी 45 मिनट के लिए टाइम मिलेगा आपको। तो और मेन एग्जामिनेशन के लिए क्या होगा, देखिए मेन एग्जामिनेशन में आपको आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, हिंदी या न्यूमेरिकल एबिलिटी। ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी, आप कोई भी लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको कौन सी करनी है। तो 2 घंटे का आपके पास टाइम होगा, 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ठीक है। और ऑफिसर स्केल 1 में भी सेम होगा, ये आपका ये मेन एग्ज़ाम का हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए, उसमें क्या रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI, ये होगा। और उसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। और जो स्पेशलिस्ट कैडर का है ऑफिसर स्केल 2, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज, रीजनिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड DI जो होगी वो आपको मिलेंगी। इसमें आपको जो है 240 आपके क्वेश्चन होंगे और 200 मार्क्स के होंगे, इसमें आपको 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है, और ऑफिसर स्केल 3 का है, उसमें आएगा रीजनिंग, कंप्यूटर, फाइनेंशियल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव और DI आएगा। इसमें 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, और आपको अगर GK आपने करनी है, तो हम डेली अपने चैनल पर GK अपलोड करते हैं, उसमें 10 करंट अफेयर्स हम क्वेश्चन करवाते हैं डेली के, टॉप टॉप 10 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। तो और आपको बहुत सारी वीडियो, आपको मैथ्स के रिलेटेड और रीजनिंग के रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, तो वो भी आप देखते रहिए। ठीक है, तो जो आपकी इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ये आपकी 1 जुलाई से लेकर 21 जुलाई तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और जो पेमेंट है वो भी आप 1 जुलाई से 21 जुलाई के बीच भर सकते हैं। और जो आपके कॉल लेटर्स आ जाएंगे, वो आएंगे वो आपके प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। आपके आपके जो प्री प्री के जो कॉल लेटर्स हैं वो आ जाएंगे अगस्त 2020 में आ जाएंगे। और जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा प्री का, वो होगा सितंबर या अक्टूबर, मतलब लास्ट वीक सितंबर के या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हो सकता है। और जो रिज़ल्ट है प्री का वो आ जाएगा अक्टूबर में। और जो आपका मेन का एग्ज़ाम होगा आपका अक्टूबर या नवंबर के लास्ट वीक या फर्स्ट वीक में। ठीक है, और रिज़ल्ट भी आ जाएगा आपका अक्टूबर नवंबर में ही, तो उसी महीने में आ जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इसकी तैयारी करिए। तो आई होप आप सबको पूरी जानकारी मिल गई होगी इस पोस्ट के बारे में। तो चलिए, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।